स्वागत है आपका हमारी सीरीज में, जिसमें हम एमपी बोर्ड 10-12 के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड आज हम एक नई जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी जिसमें हमने देखा कि एक प्रेस विज्ञप्ति सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि एमपी बोर्ड जो 10-12 का रिजल्ट आने वाला है, वे आने वाला है 15-5-2023 को। इसमें जो जानकारी दी थी वो गलत है, वो फर्जी है। तो कृपया आप ऐसे बहकावे में बिल्कुल ना आए, जो भी अफवाहें फैल रही हैं उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। इसी के साथ में अगर हम डेट की बात करें कि एमपी बोर्ड का रिजल्ट कब आने वाला है, उसके लिए आज के ही अखबार में आया हुआ है। इसमें बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल 10-12 बोर्ड का परिणाम 15 मई को जारी होने का फर्जी लेटर शनिवार को वायरल हो रहा था। ये आज के पेपर में आया, जो कि अभी हमने देखा, जिसमें बताया गया कि 15 मई को रिजल्ट आने वाला है। अब इसमें कहा गया है कि मंडल ने कहा है कि पत्र फर्जी है, परिणाम 23 मई को जारी होंगे। तो आज के ही अखबार में इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट आने वाला है वे कब आने वाला है, 23 मई को जारी होंगे, ये कंडीशन हो गई। इसी के साथ में आगे से बताया गया है कि इधर सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद 13 मई से 27 मई 2023 तक पोस्ट रिजल्ट काउंसलिंग शुरू की गई है, सीबीएसई के द्वारा शुरू कर दी गई है। यह सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा, सोमवार से शनिवार तक इसका दिन बताया गया है तक उपलब्ध रहेगी। सीबीएसई के विद्यार्थी ये टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, इस पे अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं या जो जानकारी हो पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको समझ में आई होगी कि जो लेटर बताया गया था वो फर्जी था और 23 मई तक आपका रिजल्ट आने वाला है। इसी के साथ आप स्वयं कैसे देखेंगे वो भी हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे।